हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल माधुरी किचन ब्लॉग। फ्रेंड, आज हम बनाने जा रहे हैं व्रत में खाने वाली आलू टमाटर की सब्ज़ी, बॉयल आलू टमाटर की। इसके लिए हम गैस पे कढ़ाई रख देंगे और इसमें रिफाइंड ऑयल डाल देंगे। और इसमें हम अब तेल गर्म हो गया है, अब इसमें हम जीरा डाल देंगे। जीरा को हम अच्छे से चटकने देंगे। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्च कटी हुई। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए, क्योंकि ये तीखी नहीं है, देखने नहीं लग रही है तीखी, बट ये तीखी है नहीं तो थोड़ा चटपटा रहेगा तो खाने में अच्छा लगेगा व्रत वाली सब्ज़ी। अब इसमें मिर्च हमारी फ्राई हो गई है, अब इसमें हम टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर काट के आप इसमें अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दीजिए, होगी सर जो भी जितना आपको पसंद हो, खट्टा चटपटा। टमाटर का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा लगता है, टमाटर थोड़ा ज़्यादा ही ऐड करें ताकि खाने में सब्ज़ी चटपटी बने। अब इसमें हम सेंधा नमक ऐड कर देंगे। अब इसे हम मिक्स करके और अच्छे से ढक के टमाटर गलने तक पका लेंगे। टमाटर जब गल जाए तभी उसके बाद हम आलू इसमें ऐड करेंगे। जब आप 9 दिन 9 रात्र में व्रत हो, माता का व्रत हो, तो आप इसी तरह से चेंज कर करके हर दिन नई नई डिशें खाइए तो खाने में थोड़ा टेस्ट भी बदल जाता है, खाने में अच्छा भी लगता है। टमाटर को हम पका लेंगे, उसके बाद हम इसमें बॉयल आलू डाल देंगे। आप चाहे तो आलू उबाल के फ्रिज में रख सकते हैं, उन्हें स्टोर कर लें, नहीं तो आप ऐसे ही तुरंत बॉयल करके तुरंत इसमें ऐड कर दें। फ्रेंड, आप भी बना के इसको ट्राई ज़रूर करिएगा और कमेंट में शेयर ज़रूर करिएगा कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी, या कोई भी रेसिपी जो भी हम बनाते हैं कैसी लगती है। हम बहुत ही आसान और देसी तरीके से बनाते हैं, इसमें बहुत तामझाम नहीं लगता है, ताकि अच्छे से हर इंसान बना सके। आप एक बार कमेंट ज़रूर करिएगा कैसी लगती है हमारी रेसिपी, बिल्कुल एकदम सादे तरीके से जो भी हम बनाते हैं। टमाटर को हम टमाटर पक गया है, अब इसमें हम आलू ऐड कर देंगे। आप चाहे तो हाथ से फोड़ लें, नहीं तो आप इसे चाकू से कट कर लें, नहीं तो आप डायरेक्ट कढ़ाई में डाल के उसे कलछी से हल्का हल्का मिक्स कर दें, आराम से टूट जाएगा आलू। अब इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। इसे एक तरह से आप आलू झोल भी बोल सकते हैं, हम लोग इसे आलू झोल बोलते हैं। अब इसमें हम पानी अपनी ज़रूरत के हिसाब से ऐड किए हैं। अभी ये जब ठंडा होगा तो थोड़ा थिक होगा, तब एकदम बराबर आ जाएगा। ऐसे भी आप इसे पूरी से, पराठे से, सिंगाड़ा, कुट्टू के आटा, या तिन्नी के चावल, या समा के चावल, जो भी आप खाते हो उसके साथ भी ये खा सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी खा सकते हैं सब्जी। सब्जी हमारी बनके तैयार हो गई है। अब इसमें धनिया का पत्ती ऐड कर देंगे और काफ़ी टेस्टी और चटपटी सब्जी बनी थी। सब्जी हमारी बन गई है। अब इस सब्जी के साथ खाने के लिए हम बनाएंगे कुट्टू के आटे का पूरी। इसके लिए हमने आलू, धनिया, अदरक, हरी मिर्च और जीरा और थोड़ा सा सेंधा नमक और कुट्टू, जो कि हमने पहले से ही डिब्बे में भर के रख लिया है पीस के, हम इन सबको हम अच्छे से मैश कर लेंगे। तब तक हम गैस पे पैन चढ़ा देते हैं, पैन को गर्म होने देंगे। आप चाहे तो इसे स्लो फ्राई कर लें,
और इसे हम एक पॉलीथीन ले लेंगे, एक चीनी का पैकेट है, इसे हम कट कर लेंगे। इसे धोने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल साफ़ है। इससे आप पूरियाँ बेलेंगे तो पूरियाँ आपकी बहुत ही पतली मुलायम बेल आएगी। आप इसमें रिफाइंड डाल देंगे और थोड़ा सा हम पॉलीथीन में थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे, आप चाहे तो घी भी लगा दें अगर खाते हैं तो। और हम छोटा छोटा पेड़ा ले लेंगे आटे का, गोल करके इस पर रख देंगे पॉलीथीन पे जहाँ हमने ऑयल लगाया ग्रीस किया है। ऐसे हम दबा के फैलाते जाएंगे, जितनी पतली पूरी आपको बेलनी हो आप उतना जो है बेल लेंगे। इसी तरह से हम सारी पूरियों को बेल लेंगे। पूरियों को आप ध्यान रखिए कि तुरंत ही अगर मैश करके बना ले, नहीं तो ये इसमें नमक पड़ने के बाद आटा जो है बिल्कुल चिपचिपा हो जाता है, बिल्कुल पूरियाँ बनती नहीं है, सेक नहीं आता है और नीचे पकड़ लेता है। इस तरह से आप पूरियाँ थोड़ा क्रिस्प कर लें तो खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगती हैं। पूरियाँ हमारी बन के तैयार हो गई हैं। अब आइए हम बनाते हैं साबूदाना का कटलेट या बड़ा या टिक्की, जो भी आप कह लें। इसके लिए हमने बॉयल आलू ले लिया है, अदरक मिर्च धनिया पत्ती, और हमने ले लिया है जीरा, और इसमें हमने साबूदाना 2 से 2.5 घंटा साबूदाना हमने भिगो लिया है। और इसमें हम डाल देंगे सेंधा नमक, आप चाहें तो नींबू भी निचोड़ सकते हैं कुछ बूंदे। उसके बाद हम इन सबको एक साथ मिक्स कर लेंगे, मैश कर लेंगे अच्छे से। इसको हमने मैश कर लिया। अब हथेली पे थोड़ा सा तेल लगाएंगे, कढ़ाई हमारा गर्म हो रहा है, तेल हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब इसे हम अच्छे से पेड़े की तरह बना लेंगे, टिक्की की तरह हाथ में। थोड़ा सा इसको दबा देंगे हाथ से, एकदम बिल्कुल टिक्की का शेप दे देंगे। अब इसे हम सारी टिक्की को हम ऐसे ही बना लेंगे, बना के हम पैन में डाल देंगे। टिक्कियाँ हमारी बन के तैयार हो गई हैं। अब इसे हम क्रिस्प होने तक फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड, बीच में हमारा कैमरा जो है बंद हो गया था, जिसे आगे क्लिप नहीं शूट हो पाई है। अब हमने डायरेक्ट अपनी थाली लगा ली है, आप देख सकते हैं। हमने इसमें एक सेब काट के रख लिया है, फूलगोभी पूरी और साबूदाना बड़ा, ये लौकी का लड्डू हमने बनाया है, ये आलू टमाटर की सब्ज़ी, मूँगफली मखाना और दही साथ में हमने ले लिया है। आप भी इसी तरह